तो जी राम राम, नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा, और जो उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अभी बाई फ्रेम में मेरे साथ आप देख रहे हो विश्वजीत भाई को और पवन भाई को। सर का मेकअप चल रहा है और गाने की शूटिंग हो रही है, शूट बार चल रहा है। अंजलि मैडम यहाँ पे है, अंजलि मैडम को दिखा दो, टीआरपी आ जाएगी। अब तो आ ही जाएगी, अस्तवा चेहरा देखे मैडम, आपसे टीआरपी आती है मैडम हमारे चैनल की। सर मेकअप चल रहा है यहाँ पे सर का, भाई ऐसे गानों से पहले मेकअप होता है, देख लो सर कैसा लग रहा है मेकअप करवा के। बहुत गंदा लग रहा है। क्यों सर गंदा क्यों? कौन भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं? नहीं अरे मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और मेकअप के बाद इंसान कुछ और ही हो जाता है, सच्चाई कुछ और होती है, बाद में कुछ और हो जाता है। भाई वीडियो में जो देख रहे हो, मैं बिना मेकअप हूँ सर, मेकअप के देख लो, हिसाब लगा लीजिए कौन सा सुतरा है, और कमेंट बता दिए फिर कौन सा सुतरा है। आपने क्या लगा सर, किसके ज्यादा कमेंट आऊंगे? बहुत अच्छा लगा और लंबा साहब तो भाई साहब हर शूट पे बैक टू बैक भी मिलने लग रहे हैं। अरे बस प्यार है सर आप लोगों का, बहुत लाडला भाई अपना। तो भाई चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई, सपोर्ट करो। अगर महीने में लगा कर आप भी 35 शूट करो, बिल्कुल भाई 40-40 भी हो जाएंगे, 40-40 बिल्कुल हो जाएंगे। पीछे पास में ठीक ठाक हमारा लगे, हां उधरा चल रहा है गुजारा, और चलता रहा हमारे तो प्यार बना रहे, दाल रोटी चल रही है, बिल्कुल दाल रोटी सुतरी चल रही है भाई। सर आपसे मैं पूछना भूल गया सर, इनकम आमदनी कितनी है गाने से? भाई वो तो अलग अलग है, किस गाने के कितने व्यूज होते हैं उसके हिसाब से इनकम है। अच्छा ठीक है भाई, ये बड़े शातिर आदमी है, कैमरा बताऊं नहीं, बेरा तो इनमें है लेकिन भाई एक बात मोटे भाई मोटे कमा रहे हैं, गाने का अलग हिसाब होता है, कौन गाना कौन सा गाना कितना चलता है, किस गाने के व्यूज होते हैं। कलम के धनी अपना है, हां लहरी साहब आप भी फ्रेम में एक बार पूछ लो बेटा। अच्छा है क्या अभी तो शॉपिंग कर रहे हैं अभी का अभी लहरी साहब भी भाई ये भी राइटर हैं सर, स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर। बहुत ये राइटर जितने भी होते हैं सारे गम खाते हैं भाई, अकेले बैठ के लिखते हैं और ये अपना गम लिरिक्स में निकाल के देते हैं। गम खाते तो सैड सॉन्ग लिखते हैं, अरे डीजे में भी गम है इनका। अच्छा हाँ, लेकिन ये सच्चाई है, लहरी भाई का जो आज हम शूट कर रहे हैं गाना, सुंदर गाना है, बहुत ही लाजवाब सॉन्ग है, बहुत अच्छा मैंने गाया भी अच्छा है। ये तो भाई तारीफ होनी थी ना, लेकिन सबसे पहले होता है मतलब लिखा बहुत अच्छा है जी, उसी हिसाब से फिर फील भी वही आती है, तो मैं वैसे भी गाने में फिर बहुत अच्छी देता हूँ। और एक मतलब हर रोज एक दो गाना हर रोज लिख के सोते हैं, लिख के डेली डीजे ब्लास्ट। सर मतलब ऐसा क्या है बता दो, मतलब क्या है वो राज? नहीं ऐसा कोई राज नहीं, बस मैं तो हमारा पर लिखी ना सर, मैं तो पूरी पूरी रात गाड़ दूर करता लिखी ना सर। गम पालो भाई, गम पालो, गम पालो, गम लागदा है सर, कोशिश बहुत करी गम लाग जाए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, गम में ऐसा कोई नहीं, मेरा 80-90 सॉन्ग आ गया तक, लेकिन गम वाला कोई है ही नहीं। गम वाला खुशी खुशी में लिखते हैं, हाँ हंसी खुशी कितने अच्छे तरीके से लाइन को बोल रहा है, किसी की खूबसूरती पे, किसकी खूबसूरती है कौन सा चल कोई नहीं भेज दी बहुत ही राखी होगी पता नहीं। तो सर जैसे सिचुएशन ये है आपके लिए, जैसे कॉलेज से लड़की बाहर गई है, लड़का कॉलेज के सामने खड़ा है,
लड़की ऐसे बाहर निकल आती है, वहाँ होता है ना दोनों के लड़का उसकी तरफ देख रहा होता है और लड़का देख के फिर मतलब फिर लड़की जा रही थी लड़का लड़की लड़के को पसंद नहीं करती होती है मेरी तरफ से तो बहुत सारे गाने आ रहे हैं बैक टू बैक अभी। हाँ जी काफी गाने हैं, कौन सी रात में होगी काउंटिंग के करीब गाने इसी साल आने वाले। हाँ इसी साल में पिछले साल की इसी साल में जी 80 गाने भाई मतलब लगातार बहुत ही मुश्किल काम है लिखना और वो गाने फ्लोर पे उतरना बहुत बड़ी बात है। फिर कर रहे हैं मेहनत तो प्यार आ जैसे भाई कितने गाने हैं किसी बात मोटे बांधे हो इधर बता दो मैंने मैं भी लिखा नहीं। देखो सबसे पहले प्यार कमाया पीछे ने बात की बात यार ये मतलब यार सारे आंसर भाई ने ग्रेट रखी इधर नहीं रखने की बात नहीं ये प्यार ही है। मैं देखो प्यार असल में भाई आज का ना सिंगर और राइटर की डर पे भी इन बैक्स का पता मुझे लगा नहीं लगा इनने भाई मैंने लगा आपके गरियाले में मजा ही पावा है अभी जी आपको नहीं बता रखा हुआ चाहिए ना ये भाई मतलब बताते हैं इधर आते नहीं निकलने वाली है ना। नहीं देखो हर सॉन्ग के अलग अलग पेमेंट होती है अलग अलग सिस्टम होता है वीडियो जिस प्रकार की मतलब कंपनी को वीडियो देखी वो रिक्वायरमेंट देखते हैं सॉन्ग के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से पेमेंट होता है। पवन भाई अभी हवा मार रहे हैं बाहरों में नजर हवाई होगी बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिस्टम ड्रायर ब्लोअर ड्रायर हेयर ड्रायर हेयर ड्रायर भाई बहुत ही शानदार सूट चल रहा है। सर आज वाले गाने की लाइन्स क्या सुना देंगे अपने मुंह से थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे क्योंकि पूरे मेकअप भाई मेकअप मैन भाई ने कवर कर रखा है पूरा संदीप भाई ने गाने के मामले में बात कर दी है गाना ये सिर्फ 5 मिनट में लगा। अरे वाह 5 मिनट में गाना लिख दिया तो 5 मिनट में गाना लिख दिया बिल्कुल मेरे आगे बैठ के 5 मिनट में गाना लिखा गया था। और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी बहुत जल्दी इसकी कंपोजिशन हुई थी बहुत जल्दी म्यूजिक बना था मतलब 1 घंटे में सारा काम हो गया 1 घंटे में ये लिखा भी गया कंपनी का प्रेशर था सबसे ज्यादा दिल्ली में सीट प्रेशर तो रहता ही हर रोज मतलब डिमांड तो रहता ही है प्रेशर ही मेरे और लहरी भाई के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ था। अच्छा क्या नाम गिली भाई का कितने देर में गाना है कितने देर में मतलब तो सभी का टाइम फिक्स हुआ था कि आपको कितनी देर में गाना है कितनी देर में गाना है और इतनी देर में म्यूजिक देना है। गुलशन भाई ने बहुत अच्छा म्यूजिक किया इसमें जी गुलशन जी भी बहुत अच्छा म्यूजिक देते हैं भाई उनका भी अभी जैसे कि एट अ टाइम कोना था ना उस टाइम भी ये काम तो बड़ा माने कर लो वही तो सर कैसे मतलब लाइनें बढ़ जाती हैं बस उस टाइम ही जाती है अरे उसी टाइम हो जाता है दया हो जाती है उसी टाइम आता रहे। अरे वाह बढ़िया भाई मतलब लगातार गाने लिख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सॉन्ग्स लिख रहे हैं। आखिर में सर क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से? ऑडियंस से यही कहना चाहूंगा कि अपने रोहित भाई है लंबा सर आपने वो मिक्स कर दिया रोहित भाई नाम नहीं था रोहित भाई नाम लंबा भी रहेंगे लंबा नाम भाई गजबन टू गा के दिखाएंगे मैडम गजबन टू गा के दिखा दो ये क्यों तुम मेरे पे स्पीकर आ रहे हो नहीं मैडम क्या तो इज्जत बनी है कि गा दिया मैंने तो मैडम सुना दो ना आपने गाना गाया था मैंने बाद में बताऊंगी सारी कौन सा नहीं अभी सुनाएंगी कुछ तो मिलना चाहिए मैडम मेरा शक्ति बदल गया यकीन में चले मेरा शक्कियो बदल गया यकीन में चले मैंने ट्राई किया मैं पहली लाइन के तीसरे वर्ड पे सुबह से शाम कर दी मैंने वो हरियाणवी नहीं बोला मैडम सुना दो एक गजबन टू की गजबन टू की और खराब कर दो दो लाइन प्लीज लाल दमन धोला कुत्ता हो रे उसके नाम का कुड़का सुना देना मैडम सुनो गला क्यों रे हमारा एक स्टेप था वहां पे गजबन टू पे हां करके तो वो स्टेप ये था मतलब
मैंने हम नहीं बताएंगे भाई छोटी ना ऐसे घूम रहे थे तो ऐसे आप छूट रहा था इनका ऐसे ऐसे घूमना तो आपको कोई नहीं अब तो गया भाई दोबारा शूट करते गाना सीन चल रहा होगा हां तो ओढ़न पहरन का सलीका बनगी हा बाकी मलिका इसके नाम के रुके मारेंगे ये मोर देखियो काला दामन काला कुर्ता भोरा इसके नाम का खुड़कान आज इस घर में इस अंजलि की टोर दे मैडम देखो भाई हाथों मैडम आपके लिए हाथों लाइन बना दी मतलब मैं भी राइटर हूँ राइटर अरे साहब देखो ये आपकी पोस्ट खोज रहे हैं नहीं 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 मैं इसके ऊपर मैं कुछ और लिखूंगा अभी आप इसके ऊपर बना आज ये वाला आपने लिखा है हां जो आज कर रहे हैं हां ये उन्होंने लिखा है मैडम ये आपने डाल क्या रखी इसको क्या बोलते हैं जो डाल रखा है कौन सा ओपन कट